क्या हाल है भाई लोगों के यार। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि कैसे अपनी बाइक को मेंटेन करें, तो आज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि घर पे हम लोग अपनी बाइक की चैन क्लीन कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, कुछ चीज़ें चाहिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कैरोसिन ऑयल, इसकी जगह हम लोग डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेट्रोल यूज़ मत करना क्योंकि पेट्रोल से ना चेन टाइट जाती है काफ़ी। उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक ल्यूबर चैन क्लीन करने के बाद, और एक अगर घर पे आप लोगों के टूथब्रश तो हो गई, एक टूथब्रश, और एक कपड़ा चाहिए। जस्ट इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम लोग अपने घर पे चैन क्लीन कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं। और यार जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि चैन क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नहीं करोगे ना तो मैं एक फ़ोटो शेयर करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लगा रखी है जो फ़ोटो, वैसे आप लोगों की चैन की हालत हो जाएगी, पूरा चैन सेट आपका चला जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे चैन क्लीन करनी। तो आज मैं अपने देखो मेरे पास तो R15 वर्जन 3 है, तो इसकी चैन क्लीन करने में कि मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसकी चैन क्लीन करनी है, और ऐसे ही सारी बाइकों का सेम प्रोसीजर होता है, हर एक बाइक की चैन क्लीन करने का यही तरीके होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखो और आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे चैन क्लीन करनी है। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि चैन की हालत देखो अभी क्या हो रही है, और जबकि मैं हर 500 से 700 किलोमीटर पर इसको क्लीन करता हूँ। तो चलो करते हैं अब इसको दोबारा साफ और ल्यूब। तो यार सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, किसी की हेल्प लेनी है अगर आपके पास पैडॉक स्टैंड नहीं है तो, और उसकी हेल्प लेके इस बाइक को इसके साइड स्टैंड पर थोड़ा सा लेटाना है और स्टार्ट करके बाइक को पहले गियर में डलवा के सिर्फ छुड़वा देना है ताकि इसका पीछे का टायर रोल होता रहे, और उस पॉइंट पर हम लोगों को कैरोसिन या फिर चेन क्लीनर अगर यूज़ करते हो आप वो स्प्रे करना है और उसको डालना है ताकि ये पूरे पे स्प्रेड हो सके पूरी चैन पे, और उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। और अब आगे वाला स्प्रॉकेट देखते हैं कि उसकी क्या हालत है, तो उसको हमें खोलना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए उसके लिए एक टी एलन की चाहिए, जिससे एक फेयरिंग का नट खोलना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा लूज़ हो पाए, और उसके बाद हमें 8 नंबर की गोटी से ये स्प्रॉकेट का जो कवर है उसको खोलना है। फिर ये खोलने के बाद देखते हैं इसकी क्या हालत है। जैसा कि आप लोग अभी देख ही पा रहे हैं कि क्या हालत हो रही है इसकी स्प्रॉकेट की अभी फ़िलहाल, आगे वाला बहुत ही गंदा आ रहा है क्योंकि यार मैंने भी नहीं किया है कस कभी साफ, और सर्विस स्टेशन वाले पता नहीं कैसे साफ़ करते हैं। तो इस पर भी डाल देते हैं हम लोग ये कैरोसिन डाल देते हैं ताकि इसकी भी गंदगी हम लोग अच्छे से साफ़ कर सके, और आप लोगों को भी ये करनी चाहिए अगर अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन करना है तो। We are
यार लूबिंग करना अपने लिए बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू चैन क्लीनिंग। सिंपली अपने को वही उठवानी है बाइक, गियर में डलवानी है और उसके बाद हम लोगों को चैन स्प्रे मारना है, लूबर मार देना है सिंपली 10-20 सेकंड के लिए मारना है पूरी चैन पे और उसको स्प्रेड होने देना है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. और एक बात का ध्यान रखना आप लोग, चैन क्लीनिंग को लूप करने के बाद ना 2-3 किलोमीटर तक अपनी बाइक को थोड़ा आराम से चलाना, एकदम से भगाना मत। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।